तो बाबा लोग क्या हाल है भाई साहब। आज रिव्यू स्टार्ट करने से पहले सभी लोग पहले नीचे कमेंट और बताओ कि भाई साहब मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है भाई। एपिसोड 6 क्या क्या गेम चेंज करके गया है यार। अभी तक जो बातें ख्वाब में लग रही थी कि यार इन्हें चाहिए राइडर, ड्रैगन राइडर, वो कहां से ढूंढ कर लाएंगे, क्योंकि इससे पहले अभी हमने एपिसोड 6 में ही देखा कि भाई साहब सर स्टेफन डार्कलिंग की क्या हालत करी सी स्मोक ने, मतलब चोट दिया भाई। मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है बाबा। और दो एपिसोड और बचे हैं और ये कहानी खत्म हो जाएगी। और अभी तो कितना कुछ हमने प्रिडिक्ट करके बैठे थे, इमेजिन करके बैठे थे कि भाई साहब ड्रैगन वॉर देखने को मिलने वाला है, लेकिन हाँ एक ही ड्रैगन वॉर अभी तक देखने को मिला है, जो मुझे नहीं लग रहा कि अगले एपिसोड में यानी 7वें एपिसोड में भी कोई ड्रैगन वॉर हमें देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर 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 ये ब्लैक्स वाले चाहते भी हैं कि हम अपना ड्रैगन उतारें, तो भाई साहब इनके पास नया नया ताज़ा ताज़ा सी स्मोक का राइडर तो मिल चुका है, लेकिन भाई साहब वो एक्सपीरियंस नहीं है। और वेगार के सामने जाना मतलब चूतिया कटाना, मतलब फ्री में अपना एक ऐसा ड्रैगन खो देना जो काफ़ी एडल्ट है, एक्सपीरियंस है और उसने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी भी हैं। तो बाबा मुझे नहीं लगता कि एपिसोड 7 में, और साइरेक्स यानी क्वीन रेनेरिया तो जाने से रही हैं, तो एपिसोड 7 में क्या देखने को मिलेगा उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन बाबा एपिसोड 6 का रिव्यू हुआ और एपिसोड 6 में मजा आ गया भाई। स्टार्टिंग चलती है भाई किंग्स लैंडिंग पर, कहानी अलग चल रही है, जहाँ एमंड का जो रूप देखने को मिल रहा है ना, क्या लिखाई करी है बाबा। फायर एंड ब्लड पर थोड़ा सा अलग है, लेकिन भाई यहाँ पर अलग कहानी चल रही है। एमंड टारगेरियन पूरा ओवर शैडो करके जा रहा है ये बंदा सभी को। क्या क्रूएलिटी, क्या एटीट्यूड लेके चल रहा है, क्या राइटिंग करी है भाई साहब राइटर्स ने, और जबरदस्त इस कैरेक्टर को लिखा है। अभी तक डेमन जो चल रहा था ना पिछले सीजन से भाई, वो कहीं सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन भाई डेमन भी चूतिया है, पता नहीं क्या ही कर रहा है भाई वो हैरन हॉल पर। डेमन का इस्तेमाल होना चाहिए ब्लैक्स के साथ, पर हैरन हॉल पर वो जबरदस्ती बैठा पड़ा है अपने नाइटमेयर के साथ, वो डील कर रहा है और अंत में आना उसे भाई उसी के पास है, क्वीन रेनेरिया के पास में। तो आई डोंट नो कि भाई मेकर्स क्यों इस कैरेक्टर को वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पर। खैर सही है, आगे यहाँ पर राइडर्स की भाई साहब कमी हो रही है और राइडर्स ढूंढे जा रहे हैं। तो अभी आँख है सबकी, नज़र है भाई वर्मीथोर और सिल्वर विंग पर, क्योंकि इनके लिए राइडर भी ढूंढने हैं। सी स्मोक को तो अपना राइडर मिल चुका है जो है एडम ऑफ हल यानी एडम। तो भाई अभी सबके मन में ये सवाल भी चल रहा होगा जिसने एपिसोड 6 देख लिया है कि भाई ये एडम ये कौन बंदा है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ नहीं दिखाया गया। पिछले कुछ एक एपिसोड में बहुत ब्रीफली दिखाया गया था, तो ये है कौन बाबा। अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा रिसर्च करके लाए हैं, अकॉर्डिंग टू फायर एंड ब्लड जो जॉर्ज आरआर मार्टिन की अपनी नोबल है, उस पर है साफ लिखा हुआ कि एडम जो है भाई साहब जो कॉर्लिस वैलेरियन है, जो हेड ऑफ द ड्रिफ्ट मार्क है यानी लॉर्ड ऑफ द ड्रिफ्ट मार्क एंड हेड ऑफ द हाउस ऑफ वैलेरियन भाई ये बंदा, हाँ तो इसी की नाजायज औलाद है, बास्टर्ड सन है। यहाँ पर अभी तक जितने के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि भाई साहब जब इसने सर स्टीफन डार्कलिंग को नहीं चुना सी स्मोक ने, तो उसने तुरंत ही कुछ देर बाद एडम को कैसे चुन लिया अपना राइडर। तो भाई ये है कहानी, क्योंकि कॉर्लिस वैलेरियन का जो ब्लड है वो एडम के रगों में भी दौड़ रहा है और सी स्मोक ने इसको फील कर लिया, और सी स्मोक के अंदर ये चुल कैसे काटी कि भाई साहब अब मेरे को राइडर चाहिए। क्योंकि लेनार वैलेरियन जो आपने सीजन 1 में देखा होगा, जो भगा दिया गया था या फिर भाग गया था, जो गे था और रेनेरिया के साथ उसकी शादी हुई थी, तो वो उसका कौन था राइडर था सी स्मोक का, लेकिन वो चला गया। तो काफ़ी समय से सी स्मोक राइडर लेस रहा है, उसे चाहिए था बाबा राइडर, और ये आग सर स्टीफन डार्कलिंग लगा के गया, जिसे एक बार के लिए सी स्मोक चुनने ही वाला था, लेकिन सर स्टीफन चूतिया ने अपना चूतिया कटा लिया कि आगे जाके वो लड़खड़ा गया, उसके पांव लड़खड़ा गए, और सी स्मोक ने ये तुरंत भांप लिया कि बाबा ये ना खाली हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, इसके रगों में कोई टारगेरियन या वैलेरियन खून नहीं दौड़ रहा है, दैट्स व्हाई कि मैं इसे नहीं चुनूंगा, और उसने ऑन द स्पॉट उसे जला के राख कर डाला। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि एडम को चुनने की क्या कहानी हो सकती है सी स्मोक की, तो बस यही है कि भाई साहब उसके अंदर वैलेरियन खून दौड़ रहा है जो सी स्मोक ने भांप लिया, महसूस कर लिया। भाई साहब ब्लैक्स की अलग कहानी चल रही है, और एपिसोड 6 में काफ़ी परेशान भी देखने को मिली है। कौन परेशान देखने को मिली है? रेनेरिया टारगेरियन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है इस चीज़ से कि भाई साहब मुझे ना सब मेरे पे कोई ट्रस्ट नहीं करना चाह रहा है, मेरा खुद का बेटा मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है जगेरिस टारगेरियन, जगेरिस वैलेरियन की है। लेकिन दूसरी तरफ भाई डिप्लोमेसी में रेनेरिया टारगेरियन जबरदस्त गेम खेल रही है। किंग्स लैंडिंग पर भुखमरी चल रही है, जहाँ पर एमन टारगेरियन को सिर्फ और सिर्फ वॉर सूझ रही है, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि नया खून है ना, यंग खून है, तो उसे बस मार धार लड़ाई वड़ाई, क्योंकि डिप्लोमेसी में वो कुछ है ही नहीं, डिप्लोमेसी उसे आती नहीं है। लेकिन हाँ डिप्लोमेसी की अगर बात करें किंग्स लैंडिंग पर, भाई साहब एक और टारगेरियन की एंट्री होने वाली है,
जिसका अभी तक नाम नहीं सुन रहे थे, लेकिन वो नाम सुनने में आया है और मे बी एपिसोड 7 में इसकी झलक हमें देखने को मिल जाएगी। एलिसेंट हाईटावर की चौथी औलाद यानी डेरेन टारगेरियन, जो अपने टेसेरिन ड्रैगन के साथ आएगा, और टेसेरिन ड्रैगन यंग है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लाइक सनफायर। तो लेकिन बात यह है कि भाई साहब डेरेन टारगेरियन ये बंदा डिप्लोमेट भी है, ये बंदा समझदार है और ये बंदा वॉरियर भी है। ये सारे गुण उसमें हैं, जो एमंड में सिर्फ वॉरियर एटीट्यूड है वो उसमें भी है। तो हु नोज कि आगे जाकर भाई साहब डेरेन टारगेरियन कुछ एक जबरदस्त काम कर सकता है, इसके लिए वेट है भाई। और दूसरी तरफ भाई साहब ब्लैक्स के पास अब मेजॉरिटी होने वाली है, क्योंकि सीस्मो कब उसके खाते में जुड़ चुका है, एंड हो सकता है कि एपिसोड 7 में हमें डेमन टारगेरियन भी उनके साथ जुड़ते नजर आ जाए। और वर्मीथोर के लिए भाई साहब वो बास्टर्ड ऑफ ब्लैक स्मिथ ह्यू ब्लैक स्मिथ भाई साहब वर्मीथोर को शायद कब्जे में ले डाले या कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई साहब सच में वर्मीथोर के लिए भाई वेट है यार इसके लिए, क्योंकि वेगार के सामने एक उसके साइज वाला ड्रैगन होना चाहिए। एक 1-on-1 की फाइट हमें देखने भाई, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि 1-on-1 वेगार के सामने होना चाहिए, क्योंकि अगर वेगार को ये लोग हराएंगे वर्मीथोर के अलावा, तो ये सब सेकेंड या दो या फिर तीन के जुट्टे में जाएंगे तभी ही उसे हरा सकते हैं। वेगार को 1-on-1 तो फिलहाल कोई ड्रैगन टक्कर नहीं दे सकता है ब्लैक्स के बाद, जो क्लेम्ड ड्रैगन है इस समय पर। बाकी और भी ड्रैगन हैं जो 1-on-1 टक्कर दे सकते हैं, बाकी वो मैंने पिछली वीडियोज़ में काफ़ी ड्रैगन के ऊपर वीडियो बना के लेके आया हूँ, तो आप देख लेना अगर आपको जानने की इच्छा हो कि भाई साहब ब्लैक्स के पास ऐसे कौन कौन से ड्रैगन हैं जो वेगार की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। बाकी एपिसोड 6 में और भी कोई खास नहीं हुआ है, बस खास यही था कि भाई साहब सी स्मोक को अपना राइडर मिल चुका है और किंग्स लैंडिंग पर एक डेरेन टारगेरियन की, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। और एमन टारगेरियन का अलग रुख स्वभाव, मेरा दिल गदगद हो चुका है। और डेमन टारगेरियन क्या कर रहा है आई डोंट नो, उसका देखते हैं कि एपिसोड 7 में कुछ अच्छा आ जाए। भाई साहब मेकर साहब कुछ अच्छा निकाल दो डेमन टारगेरियन के लिए, काहे भाई उस बंदे को डिमिनिश करना चाहते हो आप। कौन कितना एक्साइटेड है एपिसोड 7 के लिए बाबा नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। और एपिसोड 6 आपने देख लिया है तो आपको की सबसे ज़्यादा मस्त चीज़ इसमें क्या लगी जो आपका ध्यान खींच कर ले गई है।